प्रभास स्टारर फिल्म कल्कि 2898 एडी ने अच्छी खासी कमाई कर ली है। फिल्म रिलीज हुए अब एक महीना बीतने वाला है। इस बीच कल्कि 2898 एडी एक बार फिर चर्चाओं में आ गई है, लेकिन इस बार उसके सुपरहिट होने की वजह से नहीं बल्कि मूवी रिलीज के 24 दिन बाद विवादों में घिर गई है। कांग्रेस के पूर्व नेता श्री कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने फिल्म के मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने फिल्म के मेकर्स पर धार्मिक फैक्ट्स और धार्मिक किताबों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। ये जो फिल्म है, ये फिल्म हमारे शास्त्रों में जो वर्णित है, जो शास्त्रों में लिखा गया है, उसके विरुद्ध जाती है। ये फिल्म हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। ये फिल्म कल्कि भगवान के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, कल्कि भगवान के प्रति जो अवधारणा है, कल्कि भगवान के विषय में जो पुराणों में वर्णित है, उनके उनके खिलाफ जा रही है। इसलिए हमारी कुछ आपत्तियां हैं और नोटिस में वो आपत्तियां दर्ज की गई हैं। उनके जवाब की प्रतीक्षा है। किसी भी कीमत पर सनातन धर्म और हम अपने शास्त्रों से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दे सकते। बता दें कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने फिल्म में दिखाए गए दृश्यों को काल्पनिक बताया है। इस नोटिस के जरिए उन्होंने मेकर से गलत चित्रण को रोकने की अपील की है। इस नोटिस में कहा गया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक में भगवान श्री कल्कि के जन्म स्थान और जन्म जहां होना है उसका उल्लेख है, जबकि फिल्म में कल्कि को AI टेक्निक के जरिए अवतारित दिखाया गया है। यह उन पवित्र ग्रंथों के प्रति भी घोर अनादर है जो सैकड़ों करोड़ की संख्या में भक्तों की धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के केंद्र में है। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बर्सल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।